आप सभी को नमस्कार। मेरे सामाजिक परिवार के सभी साथियों को यथोचित अभिवादन। महिला सशक्तिकरण के लिए समर्पित कस्बा के आज के अंक में हम बात करेंगे भारतीय नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाली दिव्या अजीत कुमार जी की। भारतीय सेना में जाना किसी भी नागरिक के लिए बड़े ही सम्मान की बात होती है, लेकिन आजादी के बाद कई सालों तक महिलाएं सेना का हिस्सा नहीं हुआ करती थी। लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार महिलाएं भी सेना में भर्ती की जाने की लगी, लेकिन इसके बावजूद कभी उन्हें बड़े आधिकारिक पद नहीं दिए जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। सेना में कई ऐसी महिलाएं जो आज ऊंचे पद पर कार्यरत हैं। कैप्टन दिव्या अजीत भी उन्हीं महिला सेना अधिकारियों में से एक हैं। बता दें कि 21 साल की उम्र में दिव्या अजीत कुमार ने बेस्ट कैडेट बनते हुए इतिहास रच दिया। आइए जानते हैं दिव्या की इस जर्नी के बारे में। कैप्टन दिव्या अजीत कुमार भारतीय सेना AID की अधिकारी है। बता दें कि वो THA नई से पास हुई थी। इसके अलावा दिव्या अजीत कुमार मात्र 21 साल में सवॉर्ड ऑफ हॉनर से सम्मानित किए जाने वाली पहली महिला कैडेट हैं। गणतंत्र दिवस साल 2014 में दिव्या ने 26 जनवरी की परेड में महिला अधिकारियों और कैडेटों में सभी महिला टीमों का नेतृत्व किया था। वह किसी महिला परेड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला के रूप में भी जानी जाती हैं। कैप्टन दिव्या अजीत कुमार का जन्म चेन्नई के एक तमिल परिवार में हुआ था। इससे पहले उनके घर में कोई भी सेना से जुड़ा हुआ नहीं था। दिव्या की शिक्षा चेन्नई में पूरी हुई और वहीं उन्होंने अपना ग्रेजुएशन चेन्नई के स्टेला मारिस कॉलेज से पूरा किया। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही दिव्या NCC कैडेट कोर में शामिल हो गई, जिसने उन्हें भारतीय सेना में जाने के लिए और भी ज्यादा प्रेरित किया। इसी के साथ उन्होंने OTA की परीक्षा देने का मन बनाया, जहां वो OTA चेन्नई में शामिल हुई। वहां पर उन्हें स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। बता दें कि यह सम्मान किसी भी कैडेट को उसके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। कैप्टन दिव्या केवल बहादुर ही नहीं बल्कि नृत्य और कला के गुण भी रखती हैं। वो भरतनाट्यम नृतक भी हैं, साथ ही वो बास्केटबॉल और डिस्कस थ्रो की भी अच्छी खिलाड़ी हैं। कैप्टन दिव्या अजीत कुमार ने 2010 में सेना के वायु रक्षा कोर में नियुक्त किया गया था। गणतंत्र दिवस के मौके पर पहली बार अखिल भारतीय महिला कैप्टन के तौर पर दिव्या ने परेड में बाकी महिला कैडेट का नेतृत्व किया, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भी चीफ गेस्ट के तौर पर आए थे। वो अब ऑफिसर ट्रेनिंग अकादमी में ही पोस्टेड हैं। आज वो हमारे देश और पूरी दुनिया में नारी समाज का सम्मान और गौरव बढ़ा रही है और नारी शक्ति के रूप में प्रेरणा की मिसाल बन चुकी है। कस्बा इस महान भारतीय नारी की कड़ी मेहनत, पक्का इरादा और अनुशासन को प्रणाम करता है और कामना करता है कि हमारे भारत में हर दिन ऐसी बेटियों का जन्म हो। दिव्या अजीत कुमार जी को एक बार फिर बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। अगर आपको मेरा यानी कि सुनीता का यह प्रयास पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दें, जिससे हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। साथ ही लाइक और शेयर जरूर करें। आपके बहुमूल्य सुझावों की प्रतीक्षा में तथा मेरे द्वारा एक कभी न हार मानने वाली महिला दिव्या अजीत कुमार जी की सफलता की कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।